हेलो दोस्तों, आज का वीडियो ना डेडिकेटेड होने वाला है मेरे सारे प्रोग्रामर और कोडर दोस्तों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग इन एवरी बजट कैटेगरी। दोस्तों वीडियो में मैं बीच बीच में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि प्रोग्रामिंग के लिए लैपटॉप कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे से जरूर कर देना। नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। दोस्तों सबसे पहली बजट कैटेगरी जो मैंने रखी है ना, वो रखी है 35,000 से 40,000 रुपए के अंदर वाले लैपटॉप। अब दोस्तों देखो, इस कैटेगरी में एक ही लैपटॉप है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए अप टू डेट रह सकता है, जो कि है Redmi Book 15 का e-learning edition। अब इस लैपटॉप में ना आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले देखने मिल जाती है 15.6 इंचेस की, और इसी के साथ इसके स्पेसिफिकेशन भी काफी कमाल के हैं। प्राइसिंग को कंसिडर करते हुए लैपटॉप के लुक वगैरह भी काफी अच्छे आपको देखने मिल जाते हैं, और ओवरऑल लैपटॉप काफी बैलेंस्ड है। लैपटॉप में आपको i3 11th जन का CPU देखने मिल जाता है, 8GB DDR4 की RAM देखने मिल जाती है, और 256GB की SSD भी इस लैपटॉप में देकर रखी गई है। दोस्तों इसी के साथ लैपटॉप में Windows 10 एंड MS Office का प्री इंस्टॉल्ड सपोर्ट आपको इस लैपटॉप में देखने मिल जाएगा। ओवरऑल लैपटॉप काफी बढ़िया है, इसमें ऐसे कोई बड़ी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट इसका ये होगा कि इस लैपटॉप में ना आप कुछ भी एक्सपांड नहीं कर सकते, बस इतना आपको ध्यान में रखना होगा, और बाकी लैपटॉप काफी चंगा है। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की ना, तो अभी के टाइम पे इसकी जो प्राइसिंग चल रही है वो चल रही है 37,999 रुपीज, और इस प्राइसिंग के ऊपर ये काफी अच्छी डील मुझे लगी। इस वजह से मैं आपको प्रोग्रामिंग के लिए Redmi Book 15 के e-learning edition को सजेस्ट कर रहा हूं। डोंट वरी गाइस, वीडियो में आने वाले जितने भी लैपटॉप होंगे उन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके अपडेटेड प्राइसिंग के साथ आपको देखने मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली उन्हें वहां से चेकआउट भी कर सकते हो और चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। एनीवेज हम बढ़ते हैं हमारे अगले बजट सेक्शन की तरफ, जो कि आता है 50,000 रुपीज का बजट। अब दोस्तों इस बजट में जो लैपटॉप आपको मैं रिकमेंड करने वाला हूं वो आता है Lenovo की तरफ से, Lenovo IdeaPad 3। अब देखो दोस्तों, ये जो लैपटॉप है ना, ये दिखने में काफी कमाल का दिखता है। प्राइसिंग को कंसीडर करते हुए ना, इस लैपटॉप की डिजाइन एंड बिल्ड वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम बात करें लैपटॉप के मेन स्पेसिफिकेशन की ना, तो लैपटॉप में आपको राइजन 5 5500U का पावरफुल CPU देखने मिल जाएगा, जो कि एक 6 कोर और 12 थ्रेड का CPU है। परफॉर्मेंस CPU की काफी अच्छी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम बात करें रैम की, तो लैपटॉप में आपको 8GB DDR4 की रैम देखने मिल जाएगी, 512GB की NVMe SSD इस लैपटॉप में देकर रखी गई है। रैम को आप 12GB तक एक्सपांड कर सकते हो, और लैपटॉप में आपको 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले इस लैपटॉप में देखने मिलती है, जिसका पीक ब्राइटनेस 300 nits का है। तो डिस्प्ले अच्छा है, स्पेसिफिकेशन लैपटॉप के काफी अच्छी है, और ऊपर से लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है 50,000 रुपए के अंदर। बहुत कम ऐसे लैपटॉप है जिसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन देखने मिलता है, ये उनमें से एक है। दोस्तों इन सभी के बावजूद लैपटॉप में आपको 2 साल की बड़ी वारंटी देखने मिल जाती है, तो आपको पीस ऑफ माइंड डेफिनेटली Lenovo के इस प्रोडक्ट के साथ आने वाला है। अंडर 50,000 रुपीज ये काफी अच्छी डील है, इसमें एज सच कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसकी भी अवेलेबल करके दे रहा हूँ। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले बजट की तरफ, जो कि आता है 60,000 रुपीज का बजट, और इस बजट में जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं ना, वो आता है HP की तरफ से, HP का HP Victus 16। दोस्तों लैपटॉप ना दिखने में काफी प्रीमियम दिखता है, एकदम गुड लुक के साथ ये लैपटॉप आपको देखने मिलता है। इसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव आप सुन लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपके लिए इसे लेना चाहिए नहीं। सबसे पहली बात, ये काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। लैपटॉप में आपको राइजन 5 5600H का पावरफुल CPU देखने मिल जाएगा, जो कि H कैटेगरी का CPU है। इसके मदद से ना आप थोड़े से हेवी वर्क लैपटॉप में बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इसी के साथ लैपटॉप में आपको NVIDIA का GTX 1650 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी देखने मिलने वाला है, तो आप हल्के फुल्के गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग इस लैपटॉप में काफी आसानी से कर सकते हो। प्रोग्रामिंग के लिए दोस्तों, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इस लैपटॉप में बड़ी ही आसानी से आप प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हो। एक और अच्छी बात इस लैपटॉप की ये है कि लैपटॉप में आपको 8GB DDR4 की रैम देखने मिल जाएगी, और 512GB की NVMe SSD देखने मिल जाएगी। रैम को आप अप टू 32GB तक एक्सपांड कर सकते हो, तो एक तरह से ये लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ भी हो जाता है। दोस्तों इस लैपटॉप को सजेस्ट करने का प्रोग्रामिंग के लिए एक ही रीजन है, इस लैपटॉप में
अवेलेबल सबसे बड़ी डिस्प्ले इस लैपटॉप में ना 60,000 रुपीज़ के अंदर सबसे बड़ी डिस्प्ले आपको देखने मिल जाती है 16.1 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप में देखने मिल जाती है। प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको पता होगा कि डिस्प्ले जितना बड़ा होगा ना उतने ज़्यादा लाइन ऑफ कोड आप उसमें लिख सकते हो। विजिबिलिटी एरिया वगैरह आपको ज़्यादा मिलती है। टोटल रियल इस्टेट ज़्यादा होने की मदद से ना आपको ज़्यादा लाइन्स लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। इसी वजह से मैं इस लैपटॉप को आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो इसमें आपको 144 हर्ट्ज वाले भी डिस्प्ले देखने मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑफकोर्स थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और वो अलग टॉपिक है। और इसमें हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैपटॉप के लिए, तो अभी वो बात हम नहीं करते हैं। दोस्तों, इस लैपटॉप का वेट इस लैपटॉप का नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसका जो वेट है ना टोटल वो 2.48 kg का वेट है, मतलब 2.5 किलो का लैपटॉप है। सनी देओल के हाथ के जितना ये लैपटॉप आपको देखने मिलने वाला है, तो कैरी वगैरह करते समय ना डेफिनेटली इसका वेट आपको फील होने वाला है। अगर आप इसे इग्नोर कर सकते हो तो अंडर 60,000 रुपीज HP विक्टस 16 काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एनीवेज, हम बढ़ते हैं हमारे अगले बजट की तरफ, जो कि आता है 70-75,000 रुपीज का बजट। अब इस बजट में ना मैंने टोटल 3 लैपटॉप आपको रिकमेंड करने के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनमें से 2 लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप है। उनमें से पहला है MSI का MSI Bravo 15 और दूसरा है लिनोवो की तरफ से आने वाला लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3। दोस्तों, इन दोनों ही लैपटॉप में आपको ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन सिमिलर देखने मिलेंगे। दोनों ही लैपटॉप में आपको AMD का Ryzen 7 5800H वाला पावरफुल CPU देखने मिल जाएगा। 16GB DDR4 की RAM आपको इसमें देखने मिल जाएगी। 512GB की NVMe SSD लैपटॉप में देख रखी गई है। दोनों ही लैपटॉप में आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने मिल जाएगी। MSI Bravo में 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, जबकि लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आपको देखने मिल जाती है। हालांकि प्रोग्रामिंग में रिफ्रेश हर्ट का ज्यादा काम होता नहीं है, तो इसे हम ज्यादा वेटेज यहां पे नहीं देने वाले। बाकी सब लैपटॉप में बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है। लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 में आपको NVIDIA का GTX 1650 डेडिकेटेड 4GB वाला ग्राफिक्स कार्ड देखने मिल जाता है, जबकि MSI Bravo में आपको AMD का RX 5500M वाला 4GB ग्राफिक्स कार्ड देखने मिल जाता है। अब आप पूछोगे इन दोनों में से कौन सा वाला ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा अच्छा है? तो मेरे एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज के हिसाब से ना NVIDIA का GTX 1650 थोड़ा सा बेटर ग्राफिक्स कार्ड निकल के आता है प्रोडक्टिविटी मामले में। तो हेवी कोडिंग वगैरह करने वाले हो, एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह रन करने वाले हो, एम्युलेटर वगैरह आप चाहते हो कि लैपटॉप में साइड बाय साइड ओपन होके वो सारा कुछ फंक्शन वहां पे चलता रहे, तो उस केस में NVIDIA का GTX 1650 काफी अच्छा आपको सपोर्ट दे सकता है। अगर आपकी जगह पर मैं होता और मेरे पास 75,000 रुपीज का बजट होता प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग के लिए, तो इन दोनों लैपटॉप में से मैं चूज करता लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 को। इसके पीछे 2 मेन रीजन है। पहला तो इसमें आने वाला GTX 1650 जो कि थोड़ा सा बेटर GPU निकल के आता है, एंड दूसरा इस लैपटॉप का जो वेट है ना वो भी थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू MSI Bravo। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 ग्राम का डिफरेंस है यहाँ पे, बट ओवरऑल डिजाइन बिल्ड और बाकी के फीचर को कंसिडर करते हुए मैं लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 को कंसिडर करता। आप चाहो तो MSI Bravo को भी कंसिडर कर सकते हो। दोनों में ही परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा कुछ लॉस नहीं देखने मिलने वाला। अगर आपको नहीं चाहिए कोई गेमिंग लैपटॉप और आपको चाहिए कि थोड़ा सा लाइट वेट वाला लैपटॉप चाहिए, तो उस केस में आप जा सकते हो MI नोटबुक अल्ट्रा की तरफ। अब ये जो लैपटॉप है ना, ये भी लैपटॉप काफ़ी कमाल का है। अब दोस्तों, इस लैपटॉप में ना आपको एक बीस्ट लेवल का 11th जेन इंटेल कोर i7 वाला CPU देखने मिल जाता है। आई नो कि बहुत सारे लोग Ryzen 7 5800H और इस वाले CPU में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको बता दो कि Ryzen 7 5800H ज्यादा पावरफुल CPU है, बट 11th जेन i7 भी उतना पीछे नहीं रहता। प्रोडक्टिविटी के मामले में ये CPU भी काफी अच्छी पावर डिलीवरी करता है। अगर हम बात करें इसके अदर स्पेसिफिकेशन की, तो लैपटॉप में आपको 16GB RAM, 512GB SSD और 3.2K रेजोल्यूशन वाली 15.6 इंचेस की डिस्प्ले इस लैपटॉप में देख रखी गई है। थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट है, USB टाइप सी चार्जिंग है, लंबी बैटरी बैकअप है, सब कुछ एक थिन एंड लाइट कैटेगरी में जो आपको चाहिए वो सब कुछ इस लैपटॉप में देकर रखा गया है। प्राइसिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट सेल टाइम में नॉर्मली ना ये लैपटॉप 70,000-72,000 रुपीज तक अवेलेबल हो जाता है, तो इसे भी आप कंसिडर कर सकते हो, दैट इज फॉर श्योर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले बजट की तरफ, जिसका बजट 80-85,000 रुपीज तक का है, तो उनको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए प्रोग्रामिंग और कोडिंग के लिए? तो मेरे नज़र में एक लैपटॉप है आपके लिए, ASUS TUF -F15 का 2021 एडिशन। दोस्तों, लैपटॉप दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है,
प्रोफेशनल लगता है गेमिंग लैपटॉप होते हुए भी इसमें उतने ज़्यादा गेमिंग वाइब्स नहीं है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस लैपटॉप की ये लगी, इस लैपटॉप का जो वेट है ना वो भी 2 kg का वेट है, तो नॉर्मली गेमिंग लैपटॉप के वेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं बट इसमें उतना ज़्यादा वेट आपको देखने नहीं मिलता। अगर हम बात करें मेन स्पेसिफिकेशन की तो लैपटॉप में आपको i5 11th gen का CPU देखने मिल जाता है प्लस RTX 3060 वाला पावरफुल GPU देखने मिल जाता है। अब ये दो कॉम्बिनेशन ना मोर देन इनफ है आपको आने वाले 3-5 सालों तक प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह कराने के लिए। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस लैपटॉप के अदर स्पेसिफिकेशन की तो लैपटॉप में आपको 16GB DDR4 की रैम देखने मिल जाती है, 512GB की NVMe SSD इस लैपटॉप में देख कर रखी गई है और आप इन दोनों को भी ज़रूरत पड़ने के ऊपर एक्सपांड कर सकते हो जो कि इस लैपटॉप की काफ़ी बढ़िया बात निकल के आती है। साथ ही में लैपटॉप में आपको 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने मिल जाएगी जो कि 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो भाई लैपटॉप में सब कुछ काफ़ी कमाल का है। इसी के साथ लैपटॉप में MS ऑफिस और विंडोज 11 भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें लैपटॉप में देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल जो भी आपको एक पावरफुल लैपटॉप में रिक्वायर्ड है वो सब कुछ इस लैपटॉप में देकर रखा गया है और मेरे हिसाब से RTX 3060 के साथ आने वाला ये सबसे सस्ता लैपटॉप है जो कि 85,000 रुपीस के बजट में आपको देखने मिलने वाला है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जिनका बजट 85,000 रुपीस से भी ज्यादा है तो उनको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि अगर आपका बजट 85,000 रुपीस से ज्यादा है ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2 महीने रुकिए क्योंकि इस बजट में ना काफी अच्छे और नए लैपटॉप लॉन्च होने वाले हैं जो कि आपको कम से कम 5-6 सालों तक फ्यूचर प्रूफिंग आपको करा सकते हैं। तो ज्यादा पैसे लैपटॉप के ऊपर मत खर्च करना अगर आपका बजट 85,000 रुपीस से ज्यादा है, वेट फॉर द न्यू लैपटॉप। बाकी यार आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है, आप चाहो तो आज के दिन में भी लैपटॉप ले सकते हो बट मेरा सजेशन रहेगा कि नए लैपटॉप का वेट करने में थोड़ी सी समझदारी होगी क्योंकि आपका बजट अगर अच्छा है तो आपको श्योरली एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखने मिलने वाला है। एनीवेज इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, आप मुझे बताइए कि और आप कौन से डेडिकेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो जैसे कि बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग, बेस्ट लैपटॉप फॉर एनीथिंग यू वॉन्ट, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए नए वीडियो टाइम टू टाइम लेकर आने के लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट।